बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का क्या इस्तेमाल है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस का क्या मीनिंग होता है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म को शानदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट इजारम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है। अगर आप ये बात सीख गए कि सब्जेक्ट इजारम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट इजारम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है। अक्सर आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं किसी काम को किया जाना है या कोई काम हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, जैसे कमरे की धुलाई करनी है या नाश्ता तैयार करना है या फिर शर्ट को प्रेस करना है, फीस जमा करना है या भिखारियों को खाना खिलाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कोई काम किया जाना है या कोई काम होने वाला है, यानी अभी वो काम हुआ नहीं है, वो काम करना बाकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ हम कहते हैं कोई काम किया जाना है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेस पर इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि इस काम को कौन कर रहा है बल्कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि काम हुआ या नहीं, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। हालांकि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जिक्र होता है, जैसे कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाना है, नाश्ता उसके द्वारा पकाया जाना है। तो कई पर आप अपने सेंटेंस में मेरे द्वारा, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा देख सकते हैं जिसकी इंग्लिश होगी by me, by him, by her, by them। आमतौर पर ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी काम को किया जाना है या किसी काम को करना है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इजारम के साथ आप लिखते हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि रूम साफ करना है या रूम साफ होने वाला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द रूम इज टू बी क्लीन्ड। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बोला इज, यानी मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला इज, उसके बाद टू बी के साथ बोला थर्ड फॉर्म, जैसा कि ये बात स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि फाइल भेजना है या फाइल भेजे जाने वाला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फाइल इज टू बी सेंट, यानी फाइल भेजना है या फाइल भेजे जाने वाला है। नाश्ता तैयार करना है या नाश्ता तैयार होने वाला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ब्रेकफास्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, यानी नाश्ता तैयार होने को है या नाश्ता तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर पहला कंसेप्ट समझा कि सब्जेक्ट के साथ इजारम प्लस टू बी थर्ड फॉर्म क्या है, यानी जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई काम किया जाना है या किसी काम को करना बाकी है तो इस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में ये जिक्र किया जाता है कि इस काम को कौन करेगा, जैसे नाश्ता मेरे द्वारा पकाया जाना है, यानी कई बार आपके सेंटेंस में काम करने वाला दिया रहता है और कई बार नहीं दिया रहता है। तो अगर आपके सेंटेंस में इस काम को कौन दिया रहता है ये बात दिया हुआ है, जैसे मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, तो इस बात को बाई करके आप सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। यानी अगर लिखा हो मेरे द्वारा तो आप कहेंगे बाई मी, उसके द्वारा बाई हिम, उन लोगों के द्वारा बाई देम, अगर कोई नाउन है तो बाई के साथ आप नाउन बोलेंगे, जैसे कुंदन के द्वारा बाई कुंदन, नूर के द्वारा बाई नूर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये पहला कंसेप्ट समझा। आइए अब देखें सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला है फाइल इज टू बी सेंट और दूसरा है फाइल टू बी सेंट, और इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, यानी इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग है कि फाइल भेजा जाना है या फाइल जाने वाला है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड रहता है, यानी हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ होता है। खास करके इस तरह के सेंटेंसेस आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं जहां इस स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अंडरस्टूड होता है या छिपा होता है, जैसा कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड जब कभी भी आप इस तरह के सेंटेंस देखें जो हो सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म,
तो आप इस सेंटेंस का वही मीनिंग निकालेंगे जो आप सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग निकालते हैं। लगता है आप पूरी बात नहीं समझे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो रूम साफ करना है या रूम साफ होने वाला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं द रूम इज टू बी क्लीन्ड, और आप ये भी कह सकते हैं द रूम टू बी क्लीन्ड। यानी इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, बस दोनों में यह फर्क है कि दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड है या छिपा हुआ है। अगर आपको कहना हो कि भिखारियों को खाना खिलाना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बेगर्स आर टू बी फेड, यानी भिखारियों को खाना खिलाना है। आप इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं बेगर्स टू बी फेड, यानी भिखारियों को खाना खिलाया जाना है या भिखारियों को खाना खिलाना है। अगर आपको कहना हो कि शर्ट की धुलाई करनी है या शर्ट धुला जाना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द शर्ट इज टू बी वॉश्ड। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं शर्ट टू बी वॉश्ड। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस यही फर्क है कि दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड है या छिपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जो मीनिंग सब्जेक्ट इजारम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का, वही मीनिंग सब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का, इन दोनों को एक ही सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।